डेब्यू से पहले 95 किलो था सोनाक्षी सिन्हा का वजन, बोली इंडस्ट्री के लोग ही उड़ाते थे मजाक। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी अगली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म में वो सलमान खान के साथ नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग जयपुर में चल रही है। इस फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। सोनाक्षी ने दबंग सीरीज की पहली फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सोनाक्षी ने फिल्मों में एंट्री के लिए खुद को फिट किया। बॉलीवुड में आने से पहले सोनाक्षी का वजन 95 किलो था। ऐसे में सोनाक्षी को खुद को फिट करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। बढ़े हुए वजन की वजह से सोनाक्षी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिंका विलास से बातचीत करते हुए एक प्रेस ने उन परेशानियों के बारे में बताया है। सोनाक्षी ने कहा, जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त मेरा वजन 95 किलो था। मैं हमेशा से एक मोटी बच्ची रही थी। हालांकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहती थी, लेकिन लड़के हमेशा अलग अलग नाम लेकर मेरा मजाक बनाते थे। मुझे स्कूल में भी कभी प्ले में रोल नहीं मिला क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। मुझे हमेशा साइड कर दिया जाता था। मुझे याद है कि कॉलेज में एक बार फैशन शो हो रहा था। मैं उसमें मॉडल की तरह रैंप वॉक करना चाहती थी, लेकिन एक पतली सी लड़की ने मुझसे कहा कि तुम लाइट्स पकड़ो। मैंने पूछा क्यों, तो उसने जवाब दिया कि रैंप वॉक करने के हिसाब से मेरे वजन बहुत ज्यादा है। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं वहीं नहीं रुकी। साल 2010 में दबंग में डेब्यू करने के लिए मैंने 30 किलो वजन कम किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन सबसे बुरी बात ये रही कि इंडस्ट्री के लोग और मीडिया ने ही मेरे वजन का मजाक उड़ाया। उस बात से मेरा दिल बहुत दुखा था।